नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। पूरे हरियाणा भर में, यानी कि पूरे हरियाणा के हर एक जिले में हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केस सामने आ रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा में एक बार फिर से एक और घोषणा की है कि सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत अब आने वाली 28 जनवरी तक पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिस ऑर्डर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में, और इसमें आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि अब जिम और स्पा खुल सकेंगे 50% कैपेसिटी के साथ। और उसके अलावा एक और बड़ा चेंज ये किया गया है कि जिस ठेके के आगे हम खड़े हुए हैं, यानी कि हरियाणा में हर जिले में जितने भी ठेके हैं वो रात 10 बजे तक खुल पाएंगे। पहले जो ठेके शाम 6 बजे तक खुल पा रहे थे, अब वो ठेके रात 10 बजे तक भी खुल पाएंगे। अपने आप में एक बड़ी खबर इस वजह से है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। अलग अलग लोग ये कहते हुए नजर आ रहे कि क्या शराब के ठेके खोलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, अन्य फड़ी वाले रेड़ी वाले लोग ज़रूरी नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट फूड का काम करते हैं, जिनका काम ही शाम 6 बजे के बाद चलता है, उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि सभी की सभी दुकानें शाम 6 बजे बंद करवा दी जाती हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इस बात पर ध्यान रखे रहते हैं शाम 6 बजे के बाद कि कहीं किसी की दुकान तो नहीं चल रही। लेकिन क्या शराब के ठेके खुलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि 6 बजे तक तो शराब के ठेके पहले से ही खुल पा रहे थे जिस तरीके से अन्य दुकानें खुल रही थी। लेकिन अब शराब के ठेके आप देख सकते हैं कि खुल सकेंगे रात 10 बजे तक। अब इसमें सबसे बड़ी बात सीधे तौर पर यह है कि इन शराब के ठेकों से टैक्स जाता है हरियाणा सरकार को, और हरियाणा सरकार को इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस तरीके से शाम 6 बजे शराब के ठेके बंद हो जाते थे, ठेकेदारों का ये लगातार कहना था कि हमें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है शाम 6 बजे ठेके बंद करने का, तो जिसमें सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा सरकार को भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने अगर किसी का फायदा किया है तो शराब के ठेकेदारों का किया है। शराब के ठेके रात 10 बजे तक खोल दिए हैं। हरियाणा को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा अपडेट लेकर सामने आई है, वो ये है कि आने वाली 28 जनवरी तक का पूरे हरियाणा में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जिम और स्पा सेंटर्स की मैं बात करूँ, स्पाज पहले नहीं खुल पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर गैदरिंग होती है, वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन अब 50% कैपेसिटी के साथ स्पा सेंटर खुल पाएंगे, स्पास खुल पाएंगे। और दूसरी जगह अगर मैं जिम की बात करूँ तो 50% अटेंडेंस के साथ। हालांकि अब टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों को ये लग रहा है क्योंकि शराब के ठेके रात 10 बजे तक खोल दिए गए हैं, तो हो सकता है हरियाणा सरकार ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर दी हो जिम वालों के ऊपर या स्पा वालों के ऊपर कि रात 10 बजे तक वो भी खुल पाएंगे। तो किसी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, जिम और स्पा की जो टाइमिंग है वो शाम 6 बजे तक ही रखी जाएगी, यानी कि जो टाइमिंग बाकी दुकानों वालों के लिए वही टाइमिंग जिम और स्पा के लिए। लेकिन यहाँ पर यह कि 50% अटेंडेंस के साथ ही आप जिम और स्पा को खोल पाएंगे। जो लोग जिम और स्पा में आएंगे वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ये एक बड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी थी iBen24 ने, इस वजह से मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की बात करूं कि कितने मामले कोरोना के सामने आए हैं, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या कुछ कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जो रफ्तार है कोरोना की वो क्या सामने आई है। अगर मैं करनाल में नए केसेस की बात करूं तो 484 नए केस सामने आए हैं, 484 केस कोरोना के सामने आए हैं। और उसके अलावा अगर एक्टिव केसेस की बात करें, यानी कि टोटल करनाल जिले में जो एक्टिव केसेस हैं वो 2699 केसेस अभी भी करनाल में एक्टिव हैं। लेकिन रिकवरी रेट की बात करूं तो आप सुनकर शायद खुश भी होंगे कि 93% रिकवरी रेट है, यानी कि जो लोग कोरोना से इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं वो बहुत जल्दी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा डेथ रेट की बात करूं
तो 1% डेथ रेट है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे खास बात इस तीसरे वेव की यह है कि घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है, पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की डेथ नहीं हो रही है इस वेव के चलते। जिस वेव में पहले हमने देखा था, यानी कि दूसरी वेव की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी उस कोरोना के होने के बाद, लोगों के फेफड़े खराब होने शुरू हो गए थे, लोगों की डेथ होने लगी थी, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, लेकिन इस तीसरी वेव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आपको सावधानी अभी भी बरतने की ज़रूरत है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप दिख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।